दोस्तों पूरी तरह भारत में विकसित यूपीआई को यूरोप के फ्रांस में भी मंजूरी मिल चुका है। आखिर क्यों ये न्यूज इतना खास है, चलिए जानते हैं। दोस्तों भारत द्वारा निर्मित यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रुपे कार्ड को फ्रांस ने भी मंजूरी दे चुका है। इससे अब हम फ्रांस में भी यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कार्ड पेमेंट के मामले में पूरी दुनिया में सिर्फ 2-3 गिने चुने कंपनी डोमिनेट करता था और एक मोटी रकम चार्ज करता था। इससे हर साल ये कंपनी अरबों रुपए भारत से कमाकर विदेशों में ले जाते थे और इसीलिए भारत सरकार ने रुपे कार्ड को लाया। दोस्तों आज भारत में करीब 316 मिलियन डेबिट कार्ड है, इनमें से 271 मिलियन रुपे कार्ड है। यानी भारत में दूसरे कंपनियों को पछाड़ने के बाद अब भारत सरकार विदेश में भी अपना पाँव जमाना चाहता है। दोस्तों फ्रांस से पहले यूपीआई सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकॉन्ग, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, नेपाल और भूटान में अपना पाँव जमा चुका है। दोस्तों आपको बता दें यूपीआई एक्सेप्ट करने वाला दुनिया का पहला देश है भूटान। दोस्तों भारत में हर महीने 8 लाख करोड़ ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू होता है और अब विदेशी ट्रांजेक्शन भी भारत के पेमेंट सिस्टम के थ्रू होगा और ये हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों भारत सरकार की माने तो 2022 तक ऑस्ट्रेलिया और रशिया में भी यूपीआई लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।